देखो दो क्वेश्चंस लिए, एक तो क्या 42 और एक 44। तो देखो दोनों सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आगे भी है। तो सबसे पहले हम क्या इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, सेम चीज़ आ जाएगा। तो कितना आएगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्सेल कोवेशन कितना 1 है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको फैक्टर करना है जो पहले कर देते थे। तो बस यहाँ पे क्या अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे समझ ना, दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिला के दे दिया, ठीक है। पहले इसको फैक्टर करो, फिर इसको फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे, ये पूरे को फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। अब देखो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे वही काम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 वन जा 6 आएगा, ठीक है। तो ये 6 हो गया, तो 6 कैसे कैसे मिलेगा, तो 6 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 2, और कोई तरीका नहीं है। और यहाँ पे क्या माइनस है, तो माइनस साइन क्या बताएगा कि जो मेरा जो पेयर होगा वो क्या होगा, मेरा अपोजिट साइन का होगा। और कैसे आएगा, मिलीटर्म, तो माइनस करने से आएगा, ठीक है। तो माइनस करने से एक एक किस में आएगा, तो 3 और 2 में, इसी में आएगा ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, मेरा ए स्क्वायर और बीच में क्या है प्लस साइन है, तो बड़ा वाला किस में होगा, प्लस साइन के साथ। तो प्लस 3 है और ये माइनस 2 है और ये माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस 3, फिर यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेते कितना आएगा मेरा, ए प्लस 3, ठीक है। तो ए प्लस 3 यहाँ भी, ए प्लस 3 वहाँ भी, तो ए प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस 2। तो जो इसको फैक्टर किया तो क्या आया मेरा, ए प्लस 3 और ए माइनस 2, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करने के बाद क्या आया, ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन है, तो माइनस साइन क्या बताएगा कि जो दोनों होगा वो मेरा क्या होगा, मेरा अपोजिशन के साथ होगा, एक प्लस में और एक माइनस में। मतलब क्या, जो मिडिल टर्म आएगा वो हमको माइनस करने से आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो क्या जो बड़ा वाला होगा किसमें होगा, मेरा प्लस में होगा, जो छोटा वाला होगा क्या होगा, मेरा माइनस में होगा, ठीक है। तो बड़ा कौन होगा इसमें, ए प्लस 3 या ए माइनस 2, तो क्या कौन सा बड़ा होगा, ए प्लस 3 है ना, दोनों जगह ए कॉमन है और इसमें 3 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसमें 2 माइनस हो रहा है, तो बड़ा कौन सा होगा, यही होगा ना, ए प्लस 3। तो ए प्लस 3 क्या करना है, वो प्लस साइन के साथ लेना है, ठीक है। एक बार सॉल्व करके देख लो रफ में, क्या 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस 3 ये प्लस में हो गया और छोटा वाला क्या होगा मेरा, माइनस में। तो ये माइनस ए माइनस 2, हमेशा ब्रैकेट में देख लिखना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप आगे और लंबा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसको लिखने का जरूरत नहीं था। क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ प्लस लगाते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं आराम से। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करो ना, ब्रैकेट स्टेप बाय स्टेप जाओ, क्या दिक्कत है, 2-3 स्टेप ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होगा मेरा, ए प्लस 3 और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना होगा, माइनस ए और यहाँ पे प्लस 2 होगा, ठीक है। तो ए गेट कैंसिल, तो 3 प्लस 2 कितना जाएगा मेरा, 5। तो मिडिल टर्म में क्या चाहिए हमको, 5 ही चाहिए था, ठीक है। तो 5 आ रहा है, बस हो गया सॉल्व, और क्या। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, बस लिखना है इसको, जो एक पेयर आया था उसके साथ क्या करना है, एक्स लगाना है या एक्स इसके साथ लगाओ, इसके साथ लगाओ, बस बीच में लिख दो। बस ये ध्यान रखना कि जो बड़ा वाला होगा किसमें होगा, प्लस में। तो बड़ा वाला कौन है, यहाँ ए प्लस 3, तो प्लस ए प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, फिर माइनस ए माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स और ये माइनस क्या, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। उसको ये ना लिख कर क्या लिख दो ना, ये लिख दो, ठीक है। तो तुमको कॉमन लेने में आसान होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इस वाले टर्म को, ए प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसी को ये लिखें, ठीक है। तो देखिएगा तुमको कॉमन लेने वक्त आराम से। अब देखो ये दोनों क्या कॉमन आएगा, एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस ए प्लस 3। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा लिया करो, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन आएगा, ए माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ए माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ए माइनस 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक एक्स और माइनस से बाहर आ चुका, क्या बचेगा, प्लस ए प्लस 3, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, जो यहाँ आया वही लिख दो, यहाँ पे जो मिसिंग था, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे क्या ए माइनस 2 मल्टीप्लाई में, तो क्या ए माइनस 2 देना पड़ेगा, तो ए माइनस 2 लिखो, बस आगे बढ़ जाओ। उसके बाद साइन चेंज कर लो, साइन चेक कर लो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस था, तो अपोजिट साइन है तो क्या करो, यहाँ पे माइनस लगा दो। अब ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्स प्लस ए प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा मेरा, एक्स माइनस
a माइनस टू, ठीक है, अब इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो होगा तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, माइनस ए प्लस थ्री, हम ब्रैकेट के साथ एक साथ ले गए, ठीक है, तो ये होल क्वांटिटी क्या आ जाएगा मेरा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस बाहर निकाल दिए, ठीक है, तो माइनस ए प्लस थ्री, और एन दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो हो जाएगा, क्या होगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा मेरा ए माइनस टू, तो ये हो गया, ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो क्या आया, माइनस मल्टीप्लाई बाय ए प्लस थ्री और एक दूसरा ए माइनस टू, सेम जैसे ये बना है वैसे ये बनेगा। क्या करना होगा पहले हमको, तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा किस, तो देखो बस हिंट दे रहे हैं, तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना, बस हम यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है, ये वाला। तो देखो तो यहाँ पे वन है, वन को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो यही नंबर आएगा, ठीक है, तो कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस बी माइनस ट्वेंटी, ठीक है, तो क्या करना होगा इसको फैक्टर करना पड़ेगा। तो अब तो सॉल्व सोच लिया करो ना, तो यहाँ पे माइनस है तो जो मिडिल टर्म आएगा ये तो पक्का पता है क्या, माइनस करने से आएगा, तो फाइव इंटू फोर, फाइव फोर जाएगा क्या ट्वेंटी, फाइव में से फोर माइनस करेंगे कितना आएगा वन आएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया बी स्क्वायर, बड़ा वाला क्या करेंगे माइनस में लेंगे, तो माइनस फाइव बी और ये प्लस फोर बी और ये माइनस ट्वेंटी, ठीक है, तो यहाँ से बी कॉमन ले लो, तो ये कितना आएगा बी माइनस फाइव और प्लस फोर कॉमन लिए तो यहाँ से क्या आएगा बी माइनस फाइव, तो ये कितना हो जाएगा बी बी माइनस फाइव और बी प्लस फोर, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दोनों क्या है, यहाँ पे जो क्या है प्लस में, तो ये कन्फर्म था क्या, जो दो पेयर आएगा वो क्या होगा मेरा दोनों सेम साइन के साथ होगा, या तो दोनों माइनस माइनस में या तो दोनों प्लस प्लस में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, यहाँ माइनस तो मतलब दोनों जो होगा वो किस में होगा मेरा दोनों माइनस साइन के साथ होगा, ठीक है, तो जो पेयर मिलेगा क्या मिलेगा बी माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स, जो दूसरा होगा बी माइनस लगा देंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स, है ना, यही माइनस लगा दिए बी माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स, फिर इसमें भी माइनस लगाए मल्टीप्लाई बाय एक्स, बस यही उठा के बस यहाँ पे रखना है और कुछ नहीं करना है, बस उसके बाद क्या करना है फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है, आई एक बार सॉल्व करके देख लो कि क्या टू बी माइनस वन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस बी और प्लस फाइव, माइनस मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर यहाँ पे माइनस बी और ये माइनस फोर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी क्या हो जाएगा मेरा माइनस टू बी हो जाएगा, और ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो फाइव में से फोर कितना वन, दोनों से बड़ा कौन है फाइव, तो उसके पीछे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिए, तो देखो यहाँ माइनस कॉमन लिया हुआ है ना, तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना होगा टू बी माइनस वन, तो देखो मिडिल टर्म आ रहा है ना सही मारा, तो बस हो गया। इसके बाद क्या करना है तुम लोग को, ये लिखोगे इसके जगह पे क्या लिख देना, ये लिख देना, ठीक है, और उसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे, एक्स वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो पैटर्न, इसके बाद क्या करेंगे पैटर्न चेंज करेंगे, ठीक है, उसकी ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा अल्फाबेट्स पे, इसके बाद देखेंगे क्या सम स्पेशल केस, मतलब कुछ स्पेसिफिक पैटर्न रहेगा वो तुमको पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको वो देखना है, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस टाइप का। तो देखो सेम काम, पहले क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में। तो देखो क्या नाइन मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, तो ये नाइन तो मल्टीप्लाई होगा, तो पहले क्या करते हैं इसको फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, तो देखो इसको फैक्टर कैसे करते हैं, ध्यान देखना, ये सब पीछे वाला कर सकते हो तुम लोग खुद से ही फैक्टराइज, तो फाइव ए प्लस बी क्या है फाइव ए बी और प्लस टू बी स्क्वायर है, ठीक है, जिसको स्प्लिट करना है तो क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टू टू जा फोर, ठीक है, फोर मल्टीप्लाई बाय ये क्या हुआ ना किसी एक में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, किस में, अगर तुम ए मानोगे तो देखो ए का डिग्री यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो है, या तो बी में भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी जिसमें मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तो ये क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई टू टू जा फोर, हम मानते हैं क्या ए में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ए को एक्स की तरह ट्रीट करना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है फाइव बी एक्स, ठीक है ना, एक जगह एक्स मान लिए बी को बी रहने दिए, और यहाँ पे सिंपली क्या है टू बी स्क्वायर, ये मतलब ये कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बी ए मानना बी ए मान सकते हो, ये दिखाने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये देखो अब
क्या करेंगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ पे 2b स्क्वायर है, तो कितना होगा मेरा 4b स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, 4b स्क्वायर। अब 4b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कैसे मिलेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, ये होगा ना, स्प्लिट करेंगे तो अब हमको कितना लाना है, 5 a को भूल जाना है क्या, 5b लाना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, तो ये देखो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो क्या होगा, दोनों सेम साइन के साथ होगा, या तो दोनों प्लस प्लस में या तो दोनों माइनस माइनस में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो माइनस में तो दोनों नहीं हो सकता है, तो क्या होगा मेरा प्लस प्लस में, मतलब ऐड करने से आएगा, ठीक है। ऐड करने से कितना आएगा मेरा, 5 आएगा, तो 5 आएगा तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आता ना, 4 प्लस 1 5 आता है, 4 बन जाएगा कितना होगा मेरा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे, तो क्या कितना हो जाएगा मेरा 2a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा मेरा प्लस 4ab और प्लस ab, और ये प्लस 2b स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो ये कितना होगा मेरा 2a कॉमन आएगा यहाँ पे, तो ये 2a कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा a, और यहाँ पे प्लस 2b, फिर यहाँ पे क्या कॉमन आएगा b कॉमन आएगा, तो b कॉमन आएगा यहाँ पे क्या बचेगा a, यहाँ पे प्लस 2b, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा a प्लस 2b और 2a प्लस b, ठीक है। तो ये हो गया, तो दो फैक्टर क्या क्या मिला, a प्लस 2b और 2a प्लस b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या था 9, ठीक है। तो ये तो इसका इसको फैक्टर किया था, ये आया ना, तो और मल्टीप्लाई में क्या है मेरा 9, तो 9 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 को फैक्टर करेंगे कितना होगा, 3 × 3, ठीक है, 2 × 3 आएगा। तो क्या करो ना, एक 3 इसके साथ दे दो और एक 3 इसके साथ लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस में, तो प्लस में तो जो मिडिल टर्म आएगा वो कैसा आएगा, ऐड करने से आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या है, माइनस में, तो माइनस में मतलब क्या, दोनों क्या होगा सेम साइन के साथ होगा दोनों, और किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो क्या कितना होगा ये, माइनस 3 ए प्लस 2 बी, एक तो ये होगा, दूसरा क्या होगा मेरा, माइनस 3 इंटू 2 ए प्लस बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के दोनों के साथ दोनों क्या होगा मेरा, माइनस में होगा, ठीक है। दोनों माइनस में तो क्या होगा मेरा, ऐड ही होगा, और ऐड कैसे हुआ, तो यहाँ पे प्लस था तो क्या होगा मेरा, ऐड होके आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब एक बार सॉल्व करके देख लो क्या 9 ए मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी आता है या नहीं आता है, ठीक है। ये क्रॉस चेक करना होगा, अगर अपने भरोसा है तो बस उठा के इसको यहाँ पे x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन चेक करना है, चेक कर लो, तो कितना होगा ये मेरा, माइनस 3 है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 × 6b, ठीक है, चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, माइनस 6a, और ये प्लस माइनस माइनस 3b, ठीक है। अब दोनों को ऐड करके देखो, a वाला को a के साथ, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा मेरा, माइनस 9 है, और यहाँ पे 6 यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 9b, तो 9 माइनस 9 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा a प्लस बी, देखो आ गया ना, चेक कर लो, आ गया ना, क्या है, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, ठीक है, बस आ रहा है। तो क्या करेंगे, बस ये इस वाली लाइन को उठाना है, x लगा के लिख देना है, बस हो गया मेरा काम, और क्या। तो देखो तो ये कितना हो जाएगा मेरा, बस सब कुछ बचा, उसके बाद अब प्रिंटिंग मशीन चालू कर दो, दोनों माइनस में होगा तो क्या होगा मेरा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 2b एक्स, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, ये हो गया। इस वाले मिडिल टर्म को इतना लिखे हैं, ठीक है। अब इसको लिखना है, तो इसको क्या करते हैं बताया था क्या, ये ना लिखा क्या कर दो ना, जो फैक्टराइज करके आया था ना वो लिख दो। तो कितना आया था मेरा, कहाँ गया, ये है ना a प्लस 2b और 2a प्लस बी, तो उसी को लिख देते हैं। तो कितना आया था मेरा, a प्लस 2b मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस बी, और ये इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब कॉमन लेना है, तो इधर में क्या कॉमन आएगा, 9 और 3 है, पहले तो 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 2x है तो 1x बाहर आ गया, और अब तो कुछ और कॉमन नहीं आएगा, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, 9 और 3 क्या कितना 3, और ये 1x बच गया, 3 तो बाहर जा चुका है, ये माइनस क्या बचेगा यहाँ पे, a प्लस 2b, ब्रैकेट क्लोज। अब इतना क्या सोचना, कॉमन वॉमन लेने, यही उठा के लिख दो ना यहाँ पे, ऐसे भी दिख रहा है क्या, ये और ये का कॉमन है,
ठीक है, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ पे देखो माइनस है, तो यही से बता क्या माइनस बाहर आया होगा, तो माइनस कॉमा ले लेते क्या 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस a प्लस 2b ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू जीरो। अब ये दोनों सेम है ना, ये और ये, ठीक है, इक्वेट कर लो तो कितना आएगा मेरा 3x माइनस a प्लस 2b और ये 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू जीरो। अब एक बार इसको जीरो करो, एक बार इसको जीरो करो, जब ये जीरो होगा तो कितना आएगा x का वैल्यू, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो a प्लस 2b डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, ठीक है, जब इसको जीरो करेंगे तो कितना आएगा x इक्वल्स टू 2a प्लस b डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर चेक कर लो। ठीक है, तो ये था मेरा टाइप थर्ड, अब देखते हैं क्या सम स्पेशल केस।